I would like to say that he is the Eiffel Tower of the Indian film industry. You know, I compare him to the Eiffel Tower because बड़ा simple होता है देखने में. ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो एक खाली tower सा है. लेकिन बड़ा बड़ा intriguing होता है, बड़े हिसाब से बनाया होता है. So that is Ritesh Bhai for you, तरह on stage. जोरदार तालियां हो जाएं for the man, जिनको कोई gimmick से मतलब नहीं है. Simplicity इनका दूसरा नाम है. बड़ी सादगी से चलते चले जाते हैं. Congratulations, you know, on the amazing response. Give it up for Nawazuddin Siddiqui, ladies and gentlemen. Come and make some noise. Nawaz bhai, welcome. Amazing work, sir. मतलब कोई पीछे पड़ गया है गेट पे कि यार कितनी नहीं खींचनी यार, तेरे संग नहीं खिंचानी फोटो मुझे. Give it up for Sania Malhotra, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां. Come on, यार बहुत अच्छा काम किया है. तालियां बनती हैं यहाँ पे. When you have such brilliant actors, तो उस समय वो कितना खुद को satisfy करना is really difficult क्या यार? नहीं, इनसे और निकलवा सकता हूँ, ऐसी feel आती है? नहीं नहीं, it was very easy to work with them. But we just had such a nice collaboration that, you know, we used to keep doing things right over and over and over till all of us were happy. Right. This is not the first time you've worked with Nawaz bhai. No, second time. Yes. So थोड़ा tantrums दिए, थोड़ा attitude, please थोड़ी controversy दो यार, थोड़ा controversial होना चाहिए यहाँ पे. नहीं दिया क्या कुछ? Please say something ना. कुछ बना दो क्या? कोशिश की थी मैंने देने की. मुझे हो नहीं पाया. Actually, Nawaz is playing himself only in the movie. Yeah. In this movie. Yeah. So आपको असली नवाज देखना है तो 15th मार्च को आइएगा. He's so. हाँ नहीं नहीं, तारीफ करनी है. देखो मैं ये आप लोगों से, मुझे बोला गया था ये बड़े सादगी वाले लोग हैं, इनसे कुछ तो निकलवा के रहना है. मुझे बोले टुडे यू नो व्हेन यू लुक बैक यू've कम अ लॉन्ग वे एंड इट्स नॉट अ लॉन्ग वे, इट्स लाइक टू द मून एंड बैक और उससे भी दूर तक. कैसा लगता है? यार काम कर रहे हैं, बहुत साल तक काम नहीं मिला था, अभी मैं काम कर रहा हूँ. एक्चुअली मुझे याद है जब मैं नवाज के साथ पहली बार मिला था, जब लंच बॉक्स की बात हुई थी, बट ऑब्वियसली इट वाज लाइक आई वांटेड टू कास्ट हिम, आई हैड सीन हिम इन पीपली लाइफ एंड आई थॉट ही वाज अमेजिंग इन दैट मूवी. सो आई थॉट अगर इसने नाम बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो व्हेन आई फर्स्ट सॉ नवाज, तो वी मेट इन अ कैफे, तो फिर आई सॉ हिम एंड ही वाज वेयरिंग चप्पल एंड यू नो ही वी स्पोक अबाउट द मूवी एंड देन आई वाज थिंकिंग दैट इसका तो बिल मुझे ही देना पड़ेगा. बट नाउ व्हेन आई गो विद हिम समवेयर, मुझे लगता है इनको ही देना चाहिए बिल. सॉन्ग लॉन्च है पर पिक्चर में कोई गाने नहीं है. नहीं, ये गाना है एक्चुअली पिक्चर में. दे गो फॉर अ मूवी इन द मूवी एंड दिस सॉन्ग इज गोइंग ऑन इन द मूवी दैट दे आर वॉचिंग इन द मूवी. तो अभी सॉन्ग लॉन्च तो करना पड़ता है मैम, अभी हिंदुस्तान है तो. मगर ये गाना, आई लव दिस सॉन्ग एंड इट एक्चुअली सूट्स द टाइम इन द मूवी व्हेन दे गो ऑन देयर टू वॉच द मूवी. सो रितेश का ये था कि लंच बॉक्स की थी हमने साथ में, तो मुझे उसमें जो रितेश जो डील करते थे एक्टर को, वो बहुत ही अलग तरीके से था उसमें. जो मुझे काफ़ी लिबर्टी दी उन्होंने उसमें उस वक्त पे. आई थॉट के उसी तरीके से काम होगा लंच इसमें फोटोग्राफ में भी, बट बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस थी रितेश की इसमें, क्योंकि डेफिनेटली इतना एक्सपीरियंस होता है, इतनी सारी चीज़ें थॉट चेंज होते हैं ये वो हर समय. तो हमें डील करने का तरीका बिल्कुल अलग था रितेश का, जो एक्टर्स थे उनको सबको, और उनके अकॉर्डिंगली मतलब काफ़ी चेंज था उनका जो प्रोसेस था इस फोटोग्राफ. Recently, you went to Gateway and interacted with the real photographers. So, how was your experience with them? It was amazing. In fact, when we were shooting for photograph, I met a lot of them. They were so nice to me. We got pictures clicked or बड़ा मज़ा आया. इतना कोई खास नहीं हूँ मैं रियल लाइफ में फोटोग्राफ में. मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब मैं लोगों को दिखाता हूँ उनको बहुत बुरा लगता है. वो क्या है, तो कोई भी खींच लेगा, ऐसा है, कोई खास मेरी स्पेशलिटी नहीं है. मैंने कभी अपना पोर्टफोलियो क्लिक नहीं करवाया, कभी भी नहीं. मैं इनफैक्ट अपना फेसबुक का DP भेजती थी फॉर ऑडिशन. क्यों, कोई और भी कर चुका है तो? हाँ, यू हैव डन दैट? हाँ, मतलब फेसबुक DP या खुद से कुछ खींचा वो भेज देती थी. फोटोज आपने दिए हो ऑडिशंस के लिए? हाँ, हम लोग बहुत सारे एक्टर आए थे जब 2000 के आसपास, तो उस दौरान एक जूहू में एक शॉप थी संदीपन, अभी भी है वो, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते, सेम जैकेट सब पहन के खिंचवाते थे. तो वो फ़ोटो सब जगह बांटते थे हम लोग. तो उससे एक बार क्या, वो उसने बहुत सॉफ्ट लाइट कर दी, तो उसमें मैं थोड़ा गोरा दिख रहा था. तो मैंने जब जाके फ़ोटो दिए, आई थिंक
एक ऑफिस था जुहू में भट्ट साहब का, वहाँ पे मैंने वो फ़ोटो दिया और मुझे कॉल आ गई एक सॉन्ग के लिए, कुछ वीडियो सॉन्ग के लिए। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्योंकि मैं कोई इतना उसमें बहुत अच्छा रोल था, वो फोटोग्राफर है, वो इस तरह का रोल था और वो लड़की एक मॉडल है, खूबसूरत सी मॉडल जो उसके ऊपर पागल है उस फोटोग्राफर के ऊपर। तो मैं सेलेक्ट हो गया फ़ोटो से, लेकिन जब मैं ऑफिस में गया वो पर्सनली मुझसे मिलना चाहते थे, देखना चाहते कि दिखने में रियल लाइफ में देखने में कैसा लगता है। जब मैं पहुँचा ऑफिस तो जो डायरेक्ट करने वाली थी लेडी थी वो आई, तो किसी ने बताया कि नवाज आ गया। तो मैं जब पहुंचा तो वो ढूंढ रही, मैं वहीं खड़ा हुआ, तो कहाँ है नवाज कहाँ ऐसे मैंने, मैडम मैं हूँ नवाज मैं। तो बोले आप हैं, अच्छा फोटो में तो कुछ और दिख रहे थे आप। बट टिप्स किस चीज़ के लिए? वो एक फेशियल एक्सरसाइज करते हैं हर टेक से पहले। पहले तो जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था ये क्या कर रहे हैं करके कुछ करते हैं, बट मैं उनसे पूछती भी थी सर ये क्या कर रहे हो आप, तो उन्होंने मुझे बताया ये फेशियल एक्सरसाइज है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जो। और मुझे दूसरी फिल्म से ही मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया, होपिंग कि मैं भी शायद इनकी तरह अच्छी एक्टर बन जाऊँ।